नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये खास किस्म का एक मंत्र है और ये ऐसा मंत्र है जिससे कि हमने कई लोगों को बताया है, हम खुद भी इसको करते हैं और इस मंत्र से जो है आपकी सारी धन की, पैसे की और अन्य इस किस्म की जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं इसको दूर होने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र है। अब आपको पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड दे दूंगा, क्योंकि पृष्ठभूमि देने से क्या हो जाता है कि आपको रिजल्ट्स अच्छे लगेंगे और तभी जो है उसका प्रॉपर आपको इसके आप जो है जज कर पाएंगे। ये मंत्रा जो है स्वर्ण आकर्षण भैरव भगवान के बारे में है। स्वर्ण आकर्षण भैरव कौन है, उनका क्या स्वरूप है, उनकी पूजा कैसे होती है, उनको क्या विधि है और अन्य जो भी जो इस किस्म की जो भी सारी जो भी जानकारी है आपको मैं दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आप जरूर जो है इसको एंड तक देखें, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। इसमें कोई दुराई या शक नहीं। सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि कलयुग में काल भैरव भगवान और ऐसे 64 किस्म के भैरव हैं जो कि आदि शंकराचार्य और अन्य ग्रंथों में और रुद्रमल तंत्र में भी सारी जो है विधियों के बताया गया है। इसमें जो धन की जो हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है, धन की समस्या को दूर करने के लिए जो एकमात्र उपाय जो बताया गया है वो है स्वर्ण आकर्षण भैरव मंत्र स्तोत्र, जो कि बहुत ही लाभदायक है। ये स्वर्ण आकर्षण भैरव स्तोत्र जो है मंत्र जो है इसकी पृष्ठभूमि मैं पहले आपको दूंगा कि ये स्वर्ण आकर्षण भैरव स्तोत्र क्या है और क्यों ऐसे इसकी जो है इतनी इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि ये विधि भगवान कुबेर जी और माता लक्ष्मी जी का भी धन बिल्कुल ही समाप्त हो गया था। वो आप पूछ सकते हैं कैसे, जब देवासुर संग्राम युद्ध 100 साल चले थे तो उस युद्ध में जो है भगवान कुबेर जो हमारे काउंटेंट हैं और माता लक्ष्मी जी उनका सारा धन जो है वो ख़त्म हो गया था। तो ऐसे में जो है वो भगवान नंदी, और इसमें ऐसा ग्रंथों में बताया, कई ग्रंथों में बताया जाता है कि नंदी भगवान और दत्तात्रेय भगवान के बीच में संवाद होता है और नंदी भगवान जो है नंदीश्वर भगवान जो है वो उनको शिव जी के पास ले जाते हैं और शिव जी भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी को ये बताते हैं कि वो जो है इस कलयुग में आज की कलयुग में बद्रीनाथ जो तीर्थ है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे तप करें। तो वहाँ पर जो है माता लक्ष्मी कुबेर जी ने तप किया और उसमें से चार भुजा वाले स्वर्ण आकर्षण भैरव भगवान प्रकट हुए। जैसे एक और अन्य स्तोत्र है कनक धारा, जिसमें कि आपको पता है आदि शंकराचार्य ने विधि से उस मंत्र का विधि बताया था, उस विधि में स्वर्ण की बारिश हुई थी। उसी तरह यहाँ पे भी भगवान स्वर्ण आकर्षण भैरव प्रकट हुए, चार उनके हर स्वर्ण का स्वरूप था और तब से जो है इस स्वर्ण आकर्षण भैरव इस विधि को कई लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है। ये ऐसा एकमात्र अचूक उपाय है जिसमें कि किसी भी किस्म की आपकी धन की समस्या हो, आपके गृह में अगर आपका नाइन्थ हाउस या सेकेंड हाउस या कोई भी ऐसा भाव जिसमें कि अगर आपके इवन विधाता ने भी आपके हॉरोस्कोप में जन्म पत्री में लिख दिया हो कि भाई आपको धन आपको नहीं मिलेगा इस जीवन में, अगर आप इस स्वर्ण आकर्षण भैरव स्तोत्र का पाठ करते हैं तो निश्चित ही 100% आपको धन मिलेगा। ये जो है ये एकमात्र स्तोत्र ऐसा है जिसमें कि
भगवान भैरव इसका जैसे स्वरूप ही और नाम ही है स्वर्ण आकर्षण भैरव, स्वर्ण भगवान जो कि गोल्ड, आकर्षण मतलब उसको अट्रैक्ट करना, तो स्वर्ण आकर्षण भैरव इस स्तोत्र का आपने जो है पाठ करना है। अब मैं आपको इसकी विधि बताता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि जी इसके लिए हमें गुरु दक्षिणा, गुरु की गुरु से नाम लेना है या ऐसा है। देखिए आप कोई भी स्तोत्र या कोई भी मंत्र आप करने से पहले आप किसी भी जानकार व्यक्ति से या किसी भी पंडित से एक बार आप पूरा कर लें, उसके बाद फिर आप उसको रेगुलरली इसको पाठ, उसके बाद फिर विधि अनुसार जो है आप इसका पाठ करेंगे तो वो ज़्यादा लाभदायक रहेगा। अब आपको बता दें कि इसकी क्या विधि है। इसमें ऐसा है कि आप इसमें बहुत लोगों का ऐसा भी अनुभव है, वो कहते हैं कि काल भैरव की और स्वर्ण आकर्षण भैरव की हम जो है घर पे पूजन नहीं करते। देखिए हमारी ये सात्विक वैदिक उपाय हैं, इसको आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करें, आप जो है इसको शाम के समय करना चाहिए, 9 बजे के बाद आपके पास जो भी भगवान की मूर्ति फोटो हो या उसके सामने आप घी का और सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसके बाद आप जो भी मिष्ठान अगरबत्ती वो सब आप जो भी विधि से करके इसके बाद आप स्वर्ण आकर्षण भैरव का नित्य जो है कम से कम 5 पाठ या 11 पाठ आपने कम से कम 45 डेज या 60 डेज करना है। मैं इसको एज अ चैलेंज 100% मैं बता सकता हूँ कि अगर आप इसको करेंगे, बट आपको विधि से ही करनी पड़ेगी। 45 डेज टू 60 डेज आपकी कैसे भी किसी किस्म की भी आपकी धन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वर्किंग कैपिटल, पैसे से रुकावट, कोई भी जो समस्या हो वो दूर होगी, ऐसा भगवान स्वयं स्वर्णाकृष्ण भैरव ने इस स्तोत्र में बताया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे डियर व्यूअर्स से, आप इस स्तोत्र का पाठ करें और इसका क्या आपको लाभ रहा मेरे को बताएं कमेंट बॉक्स पे लिख के। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जिनको और भी कोई समस्या हो तो वो हमारे उनको कोई ज्योतिष या अन्य मेडिटेशन या और भी कोई उनको समस्या आए, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप कैरियर लीगल प्रॉब्लम्स, तो हमारे से ज्योतिष परामर्श ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है, आप हमारे से संपर्क करके अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ण आकर्षण भैरव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।